चीन को लेकर अमेरिका की आगाह करने वाली रिपोर्ट की, जिसमें उसने भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों को सावधान रहने की सलाह दी है। पेंटागन की रिपोर्ट की माने तो हिंदुस्तान से लगी सीमा पर ड्रैगन लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। इतना ही नहीं, उसने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री रोकने की भी भरपूर कोशिश की है। उधर पेंटागन की इस रिपोर्ट को चीन ने सिरे से खारिज करते हुए इसे बदनाम करने वाला बताया। भारतीय सीमा पर चीन कर रहा है किलेबंदी, बॉर्डर पर फौजी ताकत बढ़ा रहा है ड्रैगन। जी हां, ठीक सुना आपने, हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका की यह चौंकाने वाली रिपोर्ट भारत के लिए खतरे की घंटी है। पेंटागन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन न केवल फौज बढ़ा रहा है बल्कि अपने परमाणु हथियार और मारक क्षमता को भी आधुनिक बना रहा है। अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका समेत दूसरे देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन कई तरह की तकनीक पर काम कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और दूसरे हथियारों को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा है। चीन ने 2014 में ही दावा किया था कि उसने हाइपरसोनिक फ्लाइट व्हीकल का परीक्षण कर लिया है। चीन की सरकारी मीडिया में भी ये बताया गया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान अभ्यास में जुटे हैं। इसमें उन्हें दुश्मन के खिलाफ हर तरह की पैंतरेबाजी और परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। पेंटागन के मुताबिक चीन की परमाणु हथियार नीति की प्राथमिकता में न्यूक्लियर फोर्स है, जो किसी भी हमले का मुकाबला करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। इसके लिए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की संख्या बढ़ाई गई है। आगे रिपोर्ट में बताया गया है, जिन श्रेणी वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बना रहा है, इनमें से चार फौज से जुड़ चुकी हैं, जबकि बाकी पर काम चल रहा है। आपको बता दें, जिन श्रेणी के हथियार की मारक क्षमता का लक्ष्य 7200 किलोमीटर तक तय किया गया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन अपनी अंदरूनी हालात से ध्यान हटाने के लिए सीमा पर गतिविधियां बढ़ा देता है। इस समय चाइना के अंदरूनी हालात जो है इतने अच्छे नहीं है जितने वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक डाउनस्लाइड हो रही है, लोग काफ़ी चिंतित हैं, लोगों के पास नौकरियां कम हो रही हैं, उनके रहन सहन के तरीके में प्रॉब्लम्स हो रही है। जब जब किसी भी देश में, खास करके पाकिस्तान या चाइना में अंदरूनी डिफ़िकल्टीज हों, तो अपने देशवासियों का मुख मोड़ने के लिए वो बॉर्डर के ऊपर इस माफी की कार्रवाई करते हैं। वहीं चीन को लेकर पेंटागन की इस चौंकाने वाली रिपोर्ट से हिंदुस्तान के भी कान खड़े हो गए हैं और इसे गंभीरता से लेने की बात कही जा रही है। तो हमारी सरकार जरूर सीधा चाइना से पूछना चाहिए, हमारी जो कमांडेंट्स हैं उनसे पूछना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि चाइना से हमारी सामान्य रिश्ते रखना अनिवार्य है, लेकिन हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही एक गंभीर और संवेदनशील मामला है और भारत की सरकार को इस चीज़ की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या अमेरिका की तरफ से जो ये खुलासा हुआ है, जो कांग्रेस को रिपोर्ट गई है, क्या उससे वो इत्तेफाक रखते हैं। चीन के साथ बातचीत करके रिश्ते ठीक रखना चाहिए, वो उनके हित में भी हमारे हित में, हम दोनों बहुत बड़े देश हैं, हमारे बीच में तनाव और युद्ध जो है वो विध्वंसक हो जाएगा। चीन ने ये प्रकट किया है, ही बिलीव्स इन वायलेंस, ही डजंट बिलीव इन नॉन वायलेंस, ही बिलीव्स इन टेररिज्म, ही डजंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। सीमा पर ही नहीं, कूटनीतिक स्तर पर भी चीन हिंदुस्तान को नीचा दिखाने में जुटा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री का विरोध करना है। अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए ड्रैगन दूसरे एनएसजी सदस्यों के समर्थन का दावा भी करता है। हालांकि अमेरिका यहां खुलकर भारत के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान का जो रिकॉर्ड है एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि हर हालत में हिंदुस्तान को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल किया जाए। चाइना ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वीटो पावर इस्तेमाल करेगा और अमेरिका उसको दुनिया के सामने एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट के माध्यम से उसको दर्शाना चाहता है। वही विरोधी भी मानते हैं कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री मिलनी ही चाहिए। भारत को एनएसजी की सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत एक बहुत ही जिम्मेवार परमाणु मुल्क है। भारत कोई पाकिस्तान नहीं है जिसके कहने पे चीन एनएसजी में हमारी सदस्यता रोक रहा है।
पाकिस्तान के एक्यू खान ने पूरी दुकान खोल रखी थी। ये भारत की विदेशी और कूटनीतिक सफलता का ही नतीजा है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश हिंदुस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।